हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमृतपाल सिंह एंड अज दी इस वीडियो दे विच असी गल करांगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, सो विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड जिहड़े कंपीटिशन एग्जाम दे विच जिहदा सवाल जनरली जिहड़ा जरूर हुंदा ही हुंदा है। सो इहदे विच असी पहले गल करांगे कि अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जिहड़ी फ्लो है वह किस तरह आपां उहनूं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इहदे विच किस तरह आपां जिहड़ा आ उसकी स्पीड जी अपस्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के थ्रू आप बोट की स्ट्रीम इन स्टिल वाटर तो असी जी स्ट्रीम की स्पीड आ किस तरह कैलकुलेट करनी हैगी है। सो सब तो पहले असी गल करते हैं अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम का मतलब की होंदा है कि जदों जी बोट हैगी है इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। सो स्ट्रीम तो मतलब की है कि रिवर जड़ा आ वो करंट किन्ना है पानी का, कि वट इज़ द स्पीड ऑफ रिवर, सो उन्हूं आपां स्ट्रीम भी कह दें। हुण इस केस दे विच की आ कि जदों जिहड़ी बोट हैगी आ फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मूविंग अलोंग दिस वैसट साइड एंड जिहड़ी पानी का जिहड़ा फ्लो है इफ इट इज़ ओपोजिट टू इट्स डायरैक्शन फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अलोंग द ईस्ट साइड, सो इस तरह के जिहड़े फ्लो दे विच जिहड़ी नैट बोट की स्ट्रीम जिहड़ी आएगी उन्हूं आपां की कह दें अपस्ट्रीम। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है ना, सो इस केस दे विच जड़ी आपां साडे कोल टोटल स्पीड आएगी वो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रीम्स, कि स्पीड ऑफ बोट किन्नी हैगी है स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ रिवर जां जिहनूं आपां स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह दिंदे आ। सो उस केस दे विच जिहड़ी साडे कोल रिजल्ट आएगा दैट इज़ आवर अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है ना, सो इनू तुसी अपस्ट्रीम नू होर किस तरह रिमैंबर कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा एक साइकलिस्ट की जे मैं एग्जाम्पल लवा कि हुण जिहड़ा जिहड़ा साइकलिस्ट आ सपोज इट इज़ मूविंग अलोंग द ईस्ट साइड एंड जिहड़ी विंड की डायरैक्शन हैगी आ इफ इट इज़ अलोंग द ओपोजिट इट्स डायरैक्शन दैट इज़ अलोंग द वैसट साइड, सो उस केस दे विच की आ कि जिहड़ा साइकलिस्ट आ उहनू ज़्यादा जोर लगाना पएगा इन ऑर्डर टू मूव, इस लई जिहड़ी उहदी साइकलिस्ट की जिहड़ी स्पीड हैगी आ जिहनू आपां नैट अपस्ट्रीम स्पीड कह देंगे वो कि बराबर होएगी कि साइकलिस्ट की स्पीड जी उस जदों विंड नहीं चल रही उदों कि माइनस स्पीड ऑफ विंड के बराबर हैगी है। होर अपस्ट्रीम के जोड़े तुम कंसैप्ट ग्रैविटेशनल पुल के कंपैरटिव भी तुम इनू याद रख सकते हैं। अप का मतलब की है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी जी बॉडी आ इफ इट इज़ मूविंग अपसाइड, कि फॉर एग्जाम्पल कोई जो रॉकट आ उपरली साइड के उत्ते जा रहा है एंड उस केस के जी ग्रैविटेशनल पुल लगती है वह हमेशा थले लगती है, सो इस केस के जी नैट एक्सलरेशन होएगी वह कि बराबर होएगी कि जी एक्सलरेशन ऑफ रॉकेट जी उपरले पासे आ माइनस ग्रैविटेशनल पुल। सो इदा के क्वेश्चन के जी आप अपस्ट्रीम के नाल जो क्वेश्चन आते हैं उस केस के जड़ा आ आप दो स्पीड्स नू जिहड़ा डिफरेंशिएट वो माइनस साइन दे नाल करना हैगा आ। सो उस केस दे विच टाइम टेकन टू रो अपस्ट्रीम किन्ना टाइम लगेगा उस बोट नू जां उस साइकलिस्ट नू कि वो जे मूव करेगा फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मूविंग ए डिस्टेंस डी एंड उहदी जिहड़ी स्पीड होएगी नैट स्पीड कि बराबर होएगी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, सो उहदे तो आपां जिहड़ा उहदा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आओ इदा का एक क्वेश्चन जिहड़ा आ उहनूं आपां सॉल्व करन दी कोशिश करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर दे विच जिहड़ी स्पीड बोट दी दित्ती हुई है दैट इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, सो यह लिखा हुआ है हाउ लोंग विल द बोट टेक टू रो 175 किलोमीटर अपस्ट्रीम। हुण बोट जिहड़ी आ उह कहिंदा कि जे वो 175 किलोमीटर का जिहड़ा डिस्टेंस आ वो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब की है कि जे बोट इधर नूं मूव कर रही है तो रिवर की जिहड़ी स्पीड आ वो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हैगी आ। इन ए रिवर ऑफ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, सो रिवर की स्पीड सानूं कितनी दित्ती हुई है दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। हुण सब तो पहले सानू की है सानू जिहड़ी उहदी अपस्ट्रीम दी जिहड़ी स्पीड कैलकुलेट करनी पएगी, सो अपस्ट्रीम स्पीड जिहड़ी आ उह किहदे बराबर है जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट जां स्पीड ऑफ रिवर जां जिहनू स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी तुसीं कह दिंदे आ, इत्थे मैं रिवर लिख लांगा। सो स्पीड ऑफ बोट किन्नी आ
वह सानू दिती हुई है 40। रिवर की स्पीड किन्नी है कि रिवर जिस फ्लो दे नाल मूव कर रही है दैट इज़ 5। सो 40 - 5 विच इज़ इक्वल टू 35 किलोमीटर प्रति आवर। सो किन्ना टाइम जिहड़ा आ पूछा गया है कि किन्ना टाइम जिहड़ा आ लगेगा उस बोट नू 175 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना है। सो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नैट स्पीड। सो 175 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज़ इक्वल टू 5 आवर्स। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो तुम्हें पता है कि आप स्ट्रीम के जी स्पीड आनू माइनस करते हैं तो डाउन स्ट्रीम जी हूँ आप गल करा। सो डाउन स्ट्रीम के अप स्ट्रीम नालों ओपोजिट हों। हूँ जिस तरह कि मैं तुम्हें दसिया कि अप स्ट्रीम के जी बोट आ जी रिवर आ दे आर मूविंग इन ओपोजिट डायरैक्शन, जबकि डाउन स्ट्रीम के जी बोट आ जी स्ट्रीम आ दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरैक्शन। कि जिस डायरैक्शन के पानी का वहा है उस डायरैक्शन के जी बोट आ वह मूव कर रही है। अगेन इसलिए की है कि जी बोट आनू ज़्यादा जोर नहीं लाना पेगा क्योंकि वह पानी के फ्लो के नाल ही अगे मूव कर रही है। सो उस केस जी साढ़े को नैट स्पीड आएगी दैट इज़ सम ऑफ दीज टू, सो विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। इनू तुसी हुण जिहड़ा आपां ग्रैविटेशनल पुल दे नाल भी कंपेयर करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जिहड़ी चीज़ आ उहनू मैं उपर तो थले फाल करा रहा हाँ, ग्रैविटेशनल पुल भी थले नू लग रही है। सो उहदे विच जिहड़ी नैट एक्सलरेशन होएगी वह किहदे बराबर हो जाएगी, एक्सलरेशन ऑफ बॉडी प्लस ग्रैविटेशनल पुल जिहड़ी आ वह किन्नी लग रही है। सो कहण दा मतलब की आ कि ये दोनों जड़िया एक्सलरेशन वो ऐड हो रही हैं। सो सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के जड़िया स्पीड्स आ वो ऐड अप होंदिया है। सो आओ इदा का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर। बोट की स्पीड सानू स्टिल वाटर के दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर। हाउ लोंग विल द बोट टेक टू रो 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हुण उह कहिंदा है कि जे बोट ने 96 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करना होए तो उन्हों किन्ना टाइम लगेगा इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर प्रति आवर। सो बोट की स्पीड सानू दिती हुई है 30, स्पीड ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर प्रति आवर। सो नैट डाउन स्ट्रीम स्पीड किहदे बराबर आ जाएगी that is equal to sum of these 30 + 2 which is equal to 32 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी। सो जिस तरह की आ इतने इन्होंने कैलकुलेट किया हो। सो कितना टाइम लगेगा भी इस केस दे विच, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर नैट स्पीड 96 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 32, सो विच इज़ इक्वल टू 3 आवर्स जड़े आनू लगन गए जो उन्हें डाउन स्ट्रीम 96 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हूँ साढ़े को दो इक्वेशनस बन गई, अप स्ट्रीम की जी इक्वेशन आ वो मैं इतने लिख दिना। सो दैट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। डाउन स्ट्रीम की जी स्पीड आ वह कि बराबर आ दैट इज़ सम ऑफ दीज टू, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। सो लैट अस से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। हूँ जे मैं दोनों इक्वेशनज़ नूं इक्वेट ऐड अप करदा हाँ सो उस केस दे विच की आ कि अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड ऐड अप हो जाणगियां। सो दिस इज़ माइनस एंड माइनस ये कैंसल हो जाएंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू 2 times द बोट स्पीड। सो दे तो असी जड़ी आ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जड़ी आ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। सो जिस तरह की आ उन्होंने लिखा होया कि जे सानू अप स्ट्रीम स्पीड तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दिती आ तो उहदे तो आपां जड़ी आ स्टिल वाटर दे विच बोट की किन्नी स्पीड आ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह ही जे आप एक ते दो इक्वेशन सबट्रैक्ट करांगे सो उस केस दे विच जिहड़ा साडे कोल ए वाली चीज़ कट्टी जाएगी ए वाली एड अप हो जाएगी।
ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਓਬੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਟਰੀਮਸ ਆ ਐਡ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਮਾਈਨਸ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਏ ਬੋਟ ਟੂ ਰੋ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਇਨ 4 ਆਵਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਟ ਟੁੱਕ 2 ਆਵਰ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੋਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40/4 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗੇਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ, ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2। ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 20, ਪਲੱਸ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਏ ਬੋਟ ਟੂ ਰੋ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਇਨ 4 ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਟੁੱਕ 2 ਆਵਰਸ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, 40/4 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏਗੀ। ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਇਨ 2 ਆਵਰਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2। ਸੋ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 20, ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10/2 ਵਿਚ ਇਜ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਛ MCQs ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਏ ਬੋਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਸਪੀਡ ਆਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਐਂਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਨ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਸਟਰੀਮ। ਸੋ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟਰੀਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਵਰ।
हूँ यदी वैल्यू जी आप कैलकुलेट करनी है। हूँ तुम मैं दसिया कि जो सू डाउन स्ट्रीम स्पीड तो अपस्ट्रीम स्पीड दी है तो असी ये जी स्पीड ऑफ बोट भी कट सकते हैं तो स्पीड ऑफ रिवर भी जी कट सकते हैं। हूँ स्पीड ऑफ बोट जी दैट इज़ सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड 20 प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 ओवर स्पीड ऑफ रिवर के बराबर आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। हूँ 2 जड़ा है वो डिनोमीनेटर दे विच है वो कटिया जाएगा वी प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 30 एंड वी माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 10। सो स्पीड ऑफ बोट ओवर स्पीड ऑफ रिवर जी किस रेशो दे विच आ रही है दैट इज़ इन द रेशो 3:1। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब की है स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ वाटर दैट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर दिती हुई है एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर। बोट की स्पीड भी सानू दिती हुई है दैट इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति आवर। दैन फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हूँ डिस्टेंस आप कितना कवर करना है आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है डाउन स्ट्रीम साइड नू डिस्टेंस जोड़ा है वह कवर करना है वह आप टाइम कटना है। सो सब तो पहले आप कटांगे डाउन स्ट्रीम की जी स्पीड आनू आप कैलकुलेट करा डाउन स्ट्रीम की जी स्पीड आदे बराबर आएगी दैट इज़ डाउन स्ट्रीम का मतलब की है कि जिस डायरैक्शन के बोट मूव कर रही है उस डायरैक्शन के जोड़ा पानी का फ्लो है ये दोनों एडअप हो जाएगी। सो 10+2 दैट इज़ इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति आवर जी साड़ी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। सो टाइम जड़ा है वो किदे बराबर हुंदा है डिस्टेंस ओवर नैट स्पीड दैट इज़ अलोंग डाउन स्ट्रीम वो किदे बराबर आ जाएगी 60 ओवर 12 दैट इज़ इक्वल टू 12×5=60 5 आवर जड़ा है दैट विल बी द टाइम जड़ा उन्हों 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने दे लई लगेगा। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नैक्सट क्वेश्चन इज ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स। हूँ वह कह रहा है कि एक आदमी जड़ा है वह डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इधर जी बोट मूव कर रही है तो पानी की जी स्पीड आ वह भी इस डायरेक्शन के बोट की। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड आप कट लाँगे उन्होंने किन्ना टाइम लगता है 120 किलोमीटर का जोड़ा डिस्टेंस आनू कवर करने के लिए उन्होंने 5 घंटे लगते हैं। सो स्पीड कि बराबर होंगी है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड साड़ी कि आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड जी दैट इज़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड। हूँ अगे की कह रहा है वो द स्पीड ऑफ बोट इज़ ट्वाइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। वो की कह रहा है कि जी बोट की स्पीड आ जी वाटर की स्पीड आ जा रिवर की स्पीड आदि 2 गुणा है। सो कहने का मतलब की है कि स्पीड ऑफ बोट इज़ ट्वाइस द स्पीड ऑफ रिवर दैन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ इक्वल टू। हूँ सानू डाउन स्ट्रीम का फार्मूला पता है डाउन स्ट्रीम का फार्मूला किदे बराबर हुंदा है दैट इज़ द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ रिवर। सो इनू आपां पुट कर देंगे स्पीड ऑफ बोट किदे बराबर है 2 टाइम स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर दैट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर दे बराबर आ जाएगी डाउन स्ट्रीम जी सानू पता है 24 है दैट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर। सो ये तो जी असी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ रिवर कि बराबर आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 24/3 विच इज़ इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति आवर जी
that will be the speed of river. So our option is C. Next question is, a boatman goes 2 kilometers against the current. हुण जदों अगेंस्ट द करंट की गल हुंदी है इहदा मतलब की है कि इट इज़ मूविंग अपस्ट्रीम। जे फॉर एग्जाम्पल बोट वाला इधर नूं मूव कर रहा है तो अगेंस्ट द करंट मतलब पानी की जिहड़ी स्पीड है जां स्पीड ऑफ रिवर है वो इहदे ओपोजिट डायरेक्शन दे विच होएगी। डिस्टेंस किन्ना कवर कर रहा है 2 किलोमीटर का इन 2 आवर। सो इहदा मतलब की है कि उहदी जिहड़ी अपस्ट्रीम स्पीड कि बराबर आ जाएगी, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 आवर्स दे विच कर रहा है। सो इट मीनस वो जी अपस्ट्रीम स्पीड है दैट इज़ 1 किलोमीटर प्रति आवर है एंड गोस 1 किलोमीटर अलोंग द करंट। हूँ अलोंग द करंट जदों वो जिस डायरेक्शन दे विच रिवर मूव कर रही है उसी डायरेक्शन दे विच ही मूव कर रहा है। सो उस केस दे विच जड़ी उदी डाउनस्ट्रीम वो किन्नी आ जाएगी, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मिनट दे विच। सो 1 आवर हुण क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर दे विच आपां यूनिट लैणे आ, सो 20 मिनट का मतलब की होएगा 20/60 दैट इज़ इक्वल टू 1/3 आवर। सो दिस इज़ 1 किलोमीटर। सो किन्नी आ जाएगी दैट इज़ 3 किलोमीटर प्रति आवर जिहड़ी है दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड। हाउ लोंग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। हुण सानू स्टेशनरी वाटर दे विच उहदी स्पीड जिहड़ी आ उह कढ़नी पएगी। स्पीड ऑफ बोट जिहड़ी आ जिस तरह मैं तुहानू फार्मूला दस्सिया उह किहदे बराबर हुंदी आ, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड जिहड़ी आ उह साडी 3 दित्ती होई आ, प्लस अपस्ट्रीम स्पीड असी कैलकुलेट कर ली 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो स्पीड ऑफ बोट किन्नी आ गई स्टिल वाटर दे विच दैट इज़ इक्वल टू 4/2 विच इज़ 2 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। हुण टाइम कढ़ना आ जे उह 5 किलोमीटर का जिहड़ा डिस्टेंस आ उह ट्रैवल करता है। सो टाइम कितने बराबर आएगा, टोटल डिस्टेंस किन्ना ट्रैवल कर रहा वो 5 किलोमीटर का, स्पीड उहदी किन्नी है 2 किलोमीटर प्रति आवर दे नाल ट्रैवल कर रहा है। सो वह कितने बराबर आ जाएगी 5/2 मतलब 2.5 आवर्स आ जाएगी। हुण 5 आवर का मतलब की है कि उन्हूं 2.5 घंटे लगनगे यानी कि 2 आवर + 30 मिनट्स। सो उपर ऑप्शन देख लो उन्हूं 2.5 घंटे दैट इज़ इक्वल टू 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो आवर राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। सो ये अज का अपना लैक्चर, आई होप कि तुहानू जिहड़ा है अपस्ट्रीम ते डाउनस्ट्रीम का जिहड़ा कंसैप्ट आ वो चंगे तरीके नाल समझ आ गया होएगा। सो इनू एक वीडियो नू ध्यान नाल देखो ते जे तुहानू कोई डाउट आ यू कैन राइट इन द कमेंट सैक्शन। सो टिल दैन गुड बाय, सी यू इन द नैक्सट लैक्चर।